आदाब नाज़रीन, एस न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। सुबह से आज एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे शाई हो रही थी, हफीज़ बामनगर मक्का मस्जिद के पास की आवाम को पैसे लेकर नल का कनेक्शन दिया जा रहा था बोलकर एक झूठा प्रोपेगंडा रचा जा रहा था एक आसिया नामी खातून की जानिब से। जब वहाँ के मुकामी लोगों ने हमारे चैनल से रब्ता किया, हमारे चैनल के रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुँचते हैं और ग्राउंड वर्क का जायज़ा लेते हैं और वहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत करते हैं, तो सच्चाई और कुछ निकली, जहाँ पर आसिया नामी खातून अपना एक झूठा प्रोपेगंडा रचाते हुए एरिया कॉरपोरेटर अब्दुलरहमान शाह नुमाइंदा और एरिया प्रेसिडेंट मोइन का नाम उछालते हुए झूठा प्रोपेगंडा रचा था। नल के कनेक्शन को 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये लिया जा रहा बोलकर एक बदनामी की बात उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर एक शाई की थी। जब वहाँ पे हमारे नुमाइंदे पहुँचते हैं और वहाँ पे जायज़ा लेते थे और कुछ सच्चाई सामने निकलती है, जब ये नाला तौसी की जा रही थी, जहाँ पर हालिया में आप कई वीडियोज़ में देखेंगे हफीज़ बाबा नगर फ्लड की वजह से तबाह हो गया था, नालों की वजह से तबाह हो गया था, इसी के मद्देनज़र रखते हुए जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी ने इस नालों की तौसी के लिए हुकूमत से बजट भी पास किया था। उसी के साथ चलते हुए वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वहां पे नाले का काम तौसी किया गया और वहां पे सैलाब डालकर वहां की आवाम को राहत भी पहुंचाई थी, जहां पे आसिया नामी खातून ने एरिया कॉरपोरेटर अब्दुलरहमान शाह नुमाइंदा और मोहम्मद मोइन का नाम उछाल कर उनको बदनाम करने की साजिश रच रही थी। हम हमारे व्यूअर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि सच्चाई हम वहाँ पे पहुँच के सच्चाई का एक जायज़ा लेते हैं और जायज़ा में हमको मालूम होता है कि यह और झूठा प्रोपेगंडा रचाकर इनका नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आइए सुनते हैं वहाँ के मुकामी लोगों का बयान कि वाकया कैसे पेश है और वहाँ की आवाम पैसे दी या नहीं दी। हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करते हैं, आइए देखते हैं यहाँ की ये तफसीलात। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मन्नान है, मक्का मस्जिद के सामने मेरा मकान है। यहाँ पे जो है वीडियो वायरल हो रहा वो सरासर गलत है। यहाँ पे जो है नाले का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा करीब 15-20 दिन से। पाइपलाइन नलके जो है सो नाले के अंदर से थे, कभी कभी गंदा पानी भी आता था। वो हिसाब से अपने बस्ती के शाह भाई काउंसलर साहब सबको बोले कि नाले के ऊपर से राडों में से पाइप डाल ले के नल ले लो, साफ पानी भी आता कल के दिन, बोल के कनेक्शन निकाल दिए थे। जब जो है नाले का कंस्ट्रक्शन एंडिंग पे था, माल डालने का वक्त आया, तो जब जो है सो शावे आके जो है सो सबके कनेक्शन आए जो है सो लगाए, लगा लो सबको जोड़ लो बोल के हुक्म दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जोड़ लिए, कोई भी जो है हमसे पैसे का मुतालिबा कोई भी नहीं किए हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 रुपये खर्चा आया, हम हमारा सामान ला के जो है सो कनेक्शन लगा लिए। और ये जो वीडियो भी देखा मैं, ये सब सरासर गलत है। कौन सा वीडियो देखे आप? कोई लेडी का वीडियो है वायरल हुआ फेसबुक पे आज, वो सरासर गलत है। क्या बोल रहे हैं? जो उन्होंने जो है ना मोइन भाई जो है फी नल को जो है एक कनेक्शन को 1000 रुपये का मुतालिबा करे बोल के लेडी बोल रहे हैं, वो सरासर गलत है। हमारे सामने और भी 5-6 कनेक्शन लगाए हम उस दिन, किसी से भी 1 रुपये का मुतालिबा नहीं हुआ। उनका मकान भी यही है? उनका मकान भी है बाजू गली में, कनेक्शन आ गया उनके घर में। कनेक्शन मैं खुद ठहर के लगाया, सिर्फ उनसे जो है सो 100-150 रुपये, 150 रुपये कुछ लिया गया उनसे। ये मेरा घर है, मैं रिजवान इब्राहिम हूँ, ये घर है मेरा, घर मेरे घर में थी शादी, मगर वो जो लेडी बयान दिए नाले की तरफ से मुश्किल हो रही, शादी है उनके घर में, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम तो हुआ लेकिन हमारे कोई शिकायत नहीं थी काउंसलर साहब से, जो शाह साहब है ना उनसे कुछ शिकायत नहीं है। क्यों बोले तो कामा भी अच्छे करते हैं, उन्होंने बोलते कि साथ ही खुद भी सुनते बात को करते ही। हमारे घर में शादी थी, रस्ते का भी एडजस्ट करे थे उन्होंने जाने आने का। दूसरी चीज़ जो लेडी बयान दिए रास्ते का प्रॉब्लम है हमारे ऊपर, जो उनको प्रॉब्लम नहीं तो बयान दिए, उधर घर उधर रास्ता उनको जाने अभी बताओ भी थोड़ा वीडियो देखिए आप बताओ, मालूम होता सब खाली गेट का ब्राउन वाला घर जो है उनका है, थोड़ा जाओ सामना ब्राउन कराना, ये ब्राउन वाला घर उनका है, उनको ये रोड खुली है, उधर से रास्ता है, जा सकते आ सकते, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। लेड़ाना ये जो घर आए सब अफवाह है, ये हज़ार हज़ार कोई तलब नहीं करे। जो पाइप का कनेक्शन था पहले का पाइप जो है थोड़ी देर। मेरा नाम सैयद वासिफ़ है, मैं मक्का मस्जिद बाबा नगर हाफिज़ बाबा नगर में रहता हूँ। सर ये आप ये जो गली में जो नाले का जो स्लैब डलाए यहाँ पे, तो आपके नल के कनेक्शन कट हो गए थे जी, इसकी वजह क्या थी कट होने की? कट होने की वजह से काम चल रहा था नाले का। अच्छा। और हमारा पाइप जो है ना नीचे से था, नाले के नीचे से था, तो इस वजह से कट किया था। ओके। और जब ये कल यहाँ पे स्लैब डाला है ओके, तो उस टाइम में जो है ना यहाँ के मोइन भाई करके हैं, उन्होंने बोला भाई पाइप ले लो आप,
तो हम ऊपर से जो है ना पैंप ले लिए, कनेक्शन ले लिए। अभी तो कनेक्शन आ गया आपका? आ गया, पानी भी आ गया, पानी भी चालू हो गया। आपसे कोई पैसों का मुतालिबा करें कनेक्शन के लिए? क्यों करेंगे भाई, कोई नहीं। अभी आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक लेडीज बोल रहे की कोई पैसे लेके कनेक्शन लगाए फिर से बोल के बता रहे हैं। मुझे नहीं मालूम सर उसके बारे में। आपसे कोई पैसे लिए? पैसे का किसी ने भी पैसे की कोई बात नहीं किया? ड्रेनेज लाइन के या नल के? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पैसे के बारे में कोई नहीं बात किया, गलत है, सरासर झूठ बात है। सलाम अलैकुम, मेरा नाम मुश्ताक है। ये नल की लाइन जो है ना निकाले थे, निकालने के बाद जिस जिस के नाला लोगों को लियो बोल के बोले, तो लेडीज़ जो है ना गैर जरूरी के जो है ना मुइन के ऊपर झूठी तोहमत लगा रहे, और जिस जिस के जो है ना कनेक्शन थे वो लोग को बोले कि जो है ना 200-400 रुपये जो भी खर्चा होते प्लम्बर को दे के, सोहेल बोल के बच्चा यही रहता, वो बच्चे को जो है ना दे करके करा लो बोल के बोले, मगर पैसे दियो लियो बोल के बात नहीं हुई, तो गलत सलत बात हुई। नहीं, वो ऑलरेडी बता रहे हैं कहा 200-400 रुपये के आते कहीं को पुकार रहे हैं गैर जरूरी के, वो होने वाला जाने वाला नहीं है, गुत्तेदार रात के टाइम आता नहीं, अब जो है ना तुम करा लो 200-400 रुपये जो भी है बात करते, मगर सुबह में गैर जरूरी के काम रोको वो रोको ये रोको बोलना बहुत गलत बात है। काम जो हो रहा है वो होने दो, आपका काम जो है कनेक्शन का करा लो बोल के मैं खुद से बोला। और ये भी बन रहा है तो कॉर्पोरेटर साहब आना जाना है? हाँ बराबर। मक्का मस्जिद के पास मेरा मकान है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है जी। तो ये यहाँ पे आपको नल कनेक्शन के लिए और मोरी कनेक्शन के लिए पैसे पूछे आपको एरिया लीडर मोइन भाई या फिर कॉर्पोरेटर साहब या उनके लोग? कोई भी नहीं पूछे पैसे ऐसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इतना घर बनाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ अभी तक कुछ भी ऐसा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई लोगों से। हमें जी ये नाला बड़ा कर रहे हैं, आपको कुछ तकलीफ है नाले से आपको? नहीं नहीं, तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा जाने आने का प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जो मोइन भाई और शाह भाई तो लोग पैसे डिमांड करे 1000-1000 रुपये 1500 रुपये या 500 रुपये दियो बोल के आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। री कनेक्शन लगा लिया आपको? जी हाँ हम लगा लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। शुक्रिया। मेरा गली का जो भी ऑब्जेक्शन था पूरा सदर साहब के हिदायत पर पूरे ठहर के कराए काम, छोटे लीडर हो सदर मौतों में जो भी है ठहर के कराए, कोई भी 1 रुपया नहीं लिए, और जो भी काम करे सामान के पैसे प्लम्बर को देके काम कराए, वो अब कुछ भी नहीं है, सब फेक न्यूज है। 1000-1000 2000 रुपये दिए बोले 500 रुपये, कोई भी 1 रुपया नहीं। मैं आपसे कोई पैसे लिए बोल के मालूम हो रहा हमारे? पूरे गली के लोगों से पूछ सकते हैं, मेरा शॉप है रोड पे, नहीं लिए कोई भी? कोई भी नहीं। आप भी नहीं? लोगों भाई नाले का काम हो रहा है, नाले का काम होने की वजह से जो है सो पाइपा निकाले ऊपर से ले लो बोल के बोले शाह भाई कारपेंटर साहब, उसकी वजह से पाइपा पूरे निकाले, पाइप निकालने का था ऊपर हटा के बिठाने का था, नाले का काम हो रहा है यहाँ, और नाले का काम होने की वजह से जो है सो फिर जट्टा लगा यहाँ पे मोरियों को पानी रुकना जरा बोल के, उसकी वजह से थोड़ा पानी ऊपर आया, उसके बाद सल हो गया, उसके बाद में जो है सो पूरा काम हो गया, पाइपा गिपा जो है सो हमारे पैसों से अपन लगा लिया, 100-150 रुपये खर्चा मुश्किल नहीं है, 1000 रुपये किसको भी नहीं दिए, कोई भी पैसा नहीं पूछे किसको भी नहीं दिए, समझे ना कि कोई एक पैसा नहीं पूछे, ड्रेनेज का रहने दो नल का रहने दो ऊपर से ले लो बोले ले लिए, नाले का काम हो रहा उसकी वजह से हुआ है, वरना नहीं होता है।